दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं KBPY 2021 के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे फ्यूचर में स्कॉलरशिप रिसीव करते टाइम किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता भी है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था KBPY के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इस बार और कितने स्कॉलरशिप अमाउंट आपको अवार्ड किए जाएंगे, A to Z डिटेल्स को वहाँ पर कवर किए थे। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 90% लोग बिना सब्सक्राइब के रेगुलर वीडियोस को वॉच करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं KBPY की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे KBPY 2021 एप्टीट्यूड टेस्ट के पास एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों साइड में आप देख पाएंगे एप्लीकेशन 2021 एप्लीकेशन लॉगिन के पास एक और क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह दिए गए हैं, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है ये सब आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉग इन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हम लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट की जगह पे हम लोग को यहाँ पे अपना नेम डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों है डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप करते हैं वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर ऐसा थोड़ा भी इधर उधर डिटेल्स होता है तो फ्यूचर में हो सकता है प्रॉब्लम्स फेस करना हो, सो आप बेटर रहेगा कि आप 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना क्लास सेट कर लेना है। जैसे आप 11th में स्टडी करते हैं, 12th में स्टडी करते हो या फिर 12th के बाद कोई अदर डिग्री कोर्स करते हो, जैसे हम यहाँ पे क्लास 12 दोस्तों सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीम हमारा ऑटो सेलेक्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि SS स्ट्रीम के लिए क्लास 11 के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और SX स्ट्रीम के लिए क्लास 12 और SBS स्ट्रीम के लिए क्लास 12 पास आउट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर डाल लेना है, ईमेल आईडी दोस्तों डाल लेना है, उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आता है नेशनलिटी, नेशनलिटी में इंडियन है और अदर्स है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि KBPY ओनली इंडियन स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आता है कैप्चा, तो यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जाएगा, उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे बैक करके अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है उसके बाद, और उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वेटिंग होगा, तो 100% लोडिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सब कुछ हमारा यहाँ पे आ चुका है और जो जो यहाँ पे रेस्ट है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी, कैटेगरी में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जनरल है, SC है, ST है या फिर OBC है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना फुल एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन है ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों इन सब डिटेल्स को हम फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इन सब डिटेल्स को फिलअप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे करना है सेव एंड नेक्स्ट, ये कहता है डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एकेडमिक डिटेल्स। यहाँ पे दोस्तों क्लास 10th स्टैंडर्ड के डिटेल्स हम लोग को फिलअप करने हैं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों एग्जामिनेशन बोर्ड, तो आपने क्लास 10th किस बोर्ड से पास आउट किया, अपने स्टेट के रेस्पेक्टिव बोर्ड से पास आउट किया है या फिर किसी अदर बोर्ड से पास आउट किया, उसको यहाँ पे डाल लेना है दोस्तों। उसके बाद आता है एग्रीगेट मार्क्स, आपने क्लास 10th में कितना मार्क्स स्कोर किया उसको यहाँ पे परसेंटेज में डाल लेना है। अदर डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे आपने किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है क्लास 10th के बाद, वो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो ही चुका है। उसके बाद दोस्तों आता है ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप किस डेट को ज्वाइन किया उसको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, अपने स्कूल और कॉलेज का यहाँ पे एड्रेस डाल लेना है, एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में नाम डाल लेना है दोस्तों अपने कॉलेज का। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे कॉलेज का स्टेट, सिटी और पिन कोड यहाँ पे डाल लेना है दोस्तों। उसके बाद सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है अगेन। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। तो अगेन सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स के बाद आता है अपलोड एंड टेस्ट प्रेफरेंस। तो सबसे
पहले यहाँ पे दोस्तों अपने क्वेश्चन का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश या फिर हिंदी। वैसे दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स कैन सी द क्वेश्चन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो वैसे आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन जो है बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है टेस्ट सेंटर का प्रेफरेंस, तो यहाँ पे अपने टेस्ट सेंटर का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है अपने नियरेस्ट का। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बिहार पटना हो गया, बिहार भागलपुर हो गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे चार अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है अपलोड इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अपना यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फी है 1250 रुपीज एंड एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस हैं कुछ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब कुछ करने के बाद, फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों इन सब डिटेल्स को हम फिल कर लेते हैं। तो सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आई अग्री करके सबमिट करना है। उसके पहले दोस्तों यहाँ पे आप जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसको 200x230 पिक्सल्स के होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्रॉप करने के लिए दोस्तों आप किसी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आई अग्री करके सबमिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको पेमेंट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस बनाएंगे, पेटीएम UPI वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे। आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फी पेड करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1250 रुपीज़ प्लस बैंक सर्विस चार्जेस, आपको कुछ एक्स्ट्रा 200-400 रुपीज़ आपको वहाँ पे पेड करने होंगे। तो रजिस्ट्रेशन फी पेड करने के बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज में एक फॉर्म फिलिंग का रिसीविंग मिल जाएगा, जिसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये था दोस्तों छोटा सा प्रोसेस KVPY 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। आप समझदार है दोस्तों, आप आसानी से यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर दोस्तों आज का वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।